गर्मियों की छुट्टियों में धार्मिक यात्राओं के दौर जारी है। ऐसे में कई एजेंसी जहां सस्ते टूर पैकेज दे रही है, इसी बीच लोगों के साथ धार्मिक यात्रा के नाम पर धोखाधड़ी के मामले भी सामने आने लगे हैं। दरअसल हिरण मगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 साई बाबा मंदिर ट्रस्ट द्वारा 500 से ज्यादा लोगों को 3100 रुपए में 12 देवस्थान की यात्राएं करवाने का प्रलोभन दिया। इस यात्रा की बुकिंग 6 महीने से चल रही थी। शनिवार रात जब यात्रा रवाना करने का समय आया तो प्रति यात्री 2000 रुपए और लेकर महज 4 बसें ही मौके पर बुलाई गई। करीब 5 घंटे इंतजार के बाद 2 बसें रवाना की गई, जिन्हें भी विवाद बढ़ने पर नाथ द्वारा से वापस बुला लिया। अब यात्री खुद को ठगा सा महसूस करते हुए थाने और सेक्टर 6 साई बाबा मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं। इधर देर रात हंगामा होने के बाद यात्रा व्यवस्थापिका तारा वैस और मुस्कान टंडन को थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। यात्रा करने जा रहे ज्यादातर लोग उदयपुर संभाग के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। मुख्य द्वार पर ग्रामीण परिवेश के रहने वाले लोगों ने बताया कि तारा वैस ने आधा पैसा ट्रस्ट के जरिए देकर सस्ती धार्मिक यात्रा का वादा किया था। वही देर रात से सैकड़ों यात्री सड़कों किनारे तो कई यात्री साई बाबा मंदिर के बाहर बैठे हैं। हमारा संपर्क 20 तारीख को पहले महीने में हुआ और इन्होंने एक पैम्पलेट डाला था हमारे किसी साथी के उदयपुर ग्रुप में, तो उन्होंने मेरे को भेजा कि एक ग्रुप है जो 3100 रुपये के अंदर उदयपुर से लगा के खाटू श्याम जी, बाघा बॉर्डर, अयोध्या वगैरह बहुत सी, वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जा रहा है। ये जो बिल्डिंग पे खड़े हैं ना साईं बाबा ट्रस्ट, उसकी व्यवस्थापिका तारा व्यास करके और एक और है मुस्कान टंडन, जो दोनों ने मिल के इन्होंने निकाला। फिर मुस्कान टंडन को फ़ोन किया, तारा व्यास को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हाँ भैया हम ले जा रहे हैं और इस पहले भी अभी, लेकिन हम शिरडी के मंदिर की ओर जा रहे हैं और आप हमसे बाद में संपर्क करो। मैंने कहा शिरडी मंदिर में क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारा ये यात्रा कराना है, ट्रस्ट के हिसाब से आधा पैसा ट्रस्ट वाले देते हैं और आधा पैसा हम देते हैं, यूँ करके आप लोग देते हो। कुल मिला के जैसे आप 3100 दोगे तो 3100 रुपये ट्रस्ट वाले देंगे, यूँ करके 7000 का एक जने का किराया है वो पूरा हो जाता है और हम धार्मिक भावनाओं के कारण से बैठ के और बहुत अच्छी तरह से हिंदू धर्म की भावना को जागृत कर रहे हैं और ये करो यूँ करके। तुरंत रसीद कुछ नहीं दे रहे थे जिन, हमने पहले तो 3100 रुपया 100 तो ऑनलाइन जमा किया और 2000 रुपया इन्होंने यहाँ आके सबसे ले लिया। 100 रुपया हमने ऑनलाइन दिए, नाम उषा सोमपुरा डूंगरपुर से, 3100 रुपये 3100 रुपये हमने उनको ऑनलाइन दिए और 2000 कैश दिए आके कल। उसके बाद हमको शाम तक 7 बजे तक 7:30 बजे तक यहाँ बैठा रखा, उसके बाद गाड़ी आई बैठा है आगे जाके गाड़ी रोक दी। एक डेढ़ घंटे तक चौराहे पे हम बैठे रहे, उसके बाद 12 बजे फिर गाड़ी उसने चलाई, फिर गाड़ी चलाई, उसके बाद आगे जाके फिर गाड़ी रोक दी। हाँ, और दो ढाई घंटे वहाँ गाड़ी खड़ी रही, उसके बाद 4 बजे वापस गाड़ी ला के यहाँ उदयपुर में खड़ी कर दी गाड़ी। धोखाधड़ी हुई क्या पता नहीं हमको, गाड़ी वापस आई के मुड़ी वो हम तो यहाँ उतरे तो पता चला हमका भाई रोड पे ने गोस में ऐसे बैठे रहे से। अब क्या चल रहा है? अब यहाँ पे बैठे हमको पैसे चाहिए कल 4 बजे या फिर हमको वहाँ गाड़ी दूसरी करके हमको वहाँ यात्रा करवा दे। हमें हमें आपका नाम बताओ कल क्या मामला हुआ? मेरा नाम ईश्वरलाल सोमपुरा, हम डूंगरपुर से आए हैं और यहाँ यात्रा के लिए हमको यहाँ बुलाया है साईं मंदिर में। ये बहन जी, ये तारा मैडम ने हमसे 3000 रुपया पहले ऑनलाइन से भरवाया था और अभी यहाँ आए जब हम उससे 2000 रुपये लिए हाँ कल नगद, तो उसके बाद में हमने गाड़ी में भी बिठाए हमको और गाड़ी भी हमको सिर्फ नाथ द्वारा तक ले गई गाड़ी, फिर वहाँ गाड़ी रुक गई, फिर वापस क्या पता क्या हुआ यहाँ वो हमको मालूम नहीं। मैडम का अभी पता नहीं है हमको, तो पुलिस चौकी में थे लेकिन इसके बाद में क्या हुआ वो मालूम नहीं। यहाँ तो बहुत सारी थी पब्लिक, तो अब तो कम हो गए, 100 से ऊपर ही थे। तो क्या धोखाधड़ी हुई है आपके साथ? हाँ धोखाधड़ी हुई है, यही हुआ है और क्या। ज्योति पंचाल फ्रॉम डूंगरपुर। क्या दिक्कत हुई थी जाने के बाद? हमने यहाँ से हमारे को बिठाया गया बस में जाने के बाद में ये वहाँ नाथद्वारा के बीच में छोड़ दिया, रोक दिया। रोकने के बाद में हमने ड्राइवर और उनसे पूछा
पूछताछ की तो है ना आगे से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, ये कहा गया। वहां जाकर के रोकने के बाद में कहा गया कि अब रुक, थोड़ी देर के बाद में ना जो आएगा मैसेज उसके अनुसार चलेंगे। हमने भी सोचा कि भाई घंटा भर डेढ़ घंटा बैठे खड़े हैं, बैठे रहे, वापस उन्होंने गाड़ी रिटर्न उड़ा दी। मैंने कहा, हमने पूछा क्या हुआ, तो नहीं अपन वापस उदयपुर जा रहे हैं। ठीक है चलो, यहाँ आने के बाद में देखा तो सीधा पुलिस थाने में। कौन लेडी थी, कैसे संपर्क हुआ आपका, कैसे जानते हो आप उसे? हमारा फ्रेंड सर्कल जो था उनकी वाया वाया हमने यहाँ तक पहुँचे, तो उन्होंने कहा 3100 में ले जा रहे हैं, तो हमने डन किया। 22 तारीख से थे, 29 की थी उन्होंने, 29 से 2 कही कहा, 2 से 10 कहा। मैंने कहा हमने कहा छुट्टियाँ हैं तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के साथ